विद्यार्थी मित्रों और मेरे साथ ही शिक्षक मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। टेस्ट क्रॉस के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, इसमें आज हम टेस्ट क्रॉस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और क्या होता है टेस्ट क्रॉस। तो अलग अलग जो एग्जाम्पल हैं उनसे हम टेस्ट क्रॉस को समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये जो फिगर हम देख रहे हैं आपको, जो ये जो लिखा है फिगर 2.1, और ये जो है ये एक टेबल दिया है। ठीक है, तो मेंडल ने पी प्लांट में जो 7 कैरेक्टर हैं, जो 7 ट्रेट जो हैं, जिनका स्टडी किया था मोनोहाइब्रिड और फिर डायहाइब्रिड ट्राईहाइब्रिड क्रॉस के लिए, तो ये सारा जो है पूरा टेबल, जो सातों सात जो कैरेक्टर हैं, वो यहाँ पे इन्होंने दिखा दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए लिखा है फिनोटाइप, ठीक है, और फिर ये है रिसेसिव डोमिनेंट। तो कौन सा फिनोटाइप डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, वो भी हमें पता चल जाता है। जैसे कि देखिए ये जो है कलर, ठीक है, तो येलो कलर जो है सीड का येलो कलर, वो ग्रीन कलर पे डोमिनेंट है। फिर ये जो है, ये देखिए सीड शेप राउंड रिंकल, तो जो मटर जो है, ठीक है, वो राउंड है, सरफेस जो है स्मूथ है, और यहाँ पे कैसी है रिंकल, तो ये रिसेसिव है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो है पॉड, जो है पॉड में कलर, ठीक है, तो ग्रीन कलर डोमिनेंट, येलो रिसेसिव। फिर इनफ्लेटेड है ना, फूली हुई है पॉड, तो वो डोमिनेंट, और कंस्ट्रिक्टेड जो है पॉड, वो रिसेसिव कैरेक्टर है। फिर फ्लावर कलर, तो पर्पल कलर जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर, और ये वाइट कलर होना रिसेसिव कैरेक्टर। अच्छा, फ्लावर की पोजीशन, फूल जो है फूल किस जगह पे होते हैं, तो एक्सियल, ठीक है, एक्सियल का मतलब जो स्टेम है, स्टेम के साथ में है फूल, तो वो एक्सियल। और टर्मिनल, तो टर्मिनल में क्या होता है कि स्टेम जो है एकदम जहाँ पे आगे के भाग में होते हैं, टोच पे होते हैं, टॉप पे होते हैं फ्लावर, तो फिर उनको टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो वो रिसेसिव कैरेक्टर है। अच्छा, प्लांट हाइट, तो प्लांट हाइट भी आप देख सकते हैं, देखिए है ना, 72 से लेके 84 इंच जो है, तो वो टॉल प्लांट है, और जो ड्वार्फ प्लांट है, यहाँ पे जो शॉर्ट प्लांट है या तो ड्वार्फ प्लांट है, तो 18 से लेके उनकी जो हाइट है वो 24 इंच। अब देखिए ये जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, और ये जो क्रॉस है किसके बीच में हो रहा है, तो आप देखिए सीड का जो शेप है, तो ये यहाँ पे राउंड सीड है, यानी सीड की जो सरफेस है मटर के, तो वो क्या है, स्मूथ है, और यहाँ पे जो है, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे सीड है, व्रिंकल सीड है। ठीक है, और इनके जो एलील हैं, तो ये एलील भी यहाँ पे देखिए आप लिख दिए यहाँ पे, एलील जो है कैपिटल आर, और इनके जो एलील हैं व्रिंकल में, वो दोनों रिसेसिव हैं, स्मॉल आर स्मॉल आर। अच्छा, तो ये राउंड राउंड जो सीड हैं, वो जो भी गैमेट प्रोड्यूस करेंगे उनमें जो एलील होगा वो हमेशा कैपिटल आर ही होगा, और जो व्रिंकल सीड है इसमें जो एलील होगा वो हमेशा स्मॉल आर ही है। ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब तो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये वाला और ये वाला, ठीक है, और इस तरह से भी आप लें, कोई भी कॉम्बिनेशन में लो, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेल गैमेट जो है, आप देखिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है, और इसको स्पर्म और ओवम भी कह सकते हैं। ठीक है, मेल गैमेट को आप स्पर्म भी कह सकते हो, और जो फीमेल गैमेट है उसको हम एग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये पनेट स्क्वायर बनाया है। ठीक है, ये जो है ये पनेट स्क्वायर है, और पनेट स्क्वायर में हम ऊपर जो है मेल गैमेट लिख देते हैं। ठीक है, मेल गैमेट में कौन सा एलील है वो भी लिख दिया। यहाँ पे ये जो है ये फीमेल गैमेट है, और इसमें जो एलील है वो लिख दिए। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए आप जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिल रहे हैं उनमें जो एलील है वो क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि सारे जो प्लांट हैं
वो क्या राउंड सीड वाले जो मटर है इनको ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है F1 जनरेशन, ठीक है, पनेट स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिए, ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट, और उनके जो एलील हैं वो भी लिख दिए हैं। और यहाँ पे आप देखिए, पनेट स्क्वायर जो है, ये मेल गैमेट, ये मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक है। तो F1 के जितने भी प्लांट हैं, इनमें एलिलिक कॉम्बिनेशन जो है, एलिलिक कॉम्बिनेशन जो आ रहा है वो आप देख रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट हैं वो प्लांट कैसे हैं, हिटरोजाइगस हैं। और इनका जो सीड है, ठीक है, उसका जो सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ है। यानी कि सारे के सारे जो हैं राउंड सीड प्रोड्यूस करते हैं ये F1 जनरेशन के प्लांट। अच्छा, अब मेंडल जो है, मेंडल ने आगे क्या किया, जो F1 जनरेशन के जो प्लांट हैं इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन अलाउ किया था। ठीक है, तो F1 जनरेशन के प्लांट जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए, जो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, तो गैमेट में या तो कैपिटल आर है या तो स्मॉल आर एलील है। ठीक है, यहाँ पे मेल गैमेट ले लीजिए, तो ये फीमेल गैमेट अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो F2 जनरेशन जो है, F2 जनरेशन के लिए यहाँ पे हम देखें, ये देखिए F2 जनरेशन जो है इसमें, ये देखिए ये स्पर्म, ठीक है, तो उसमें एलील जो है वो लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे एग जो है, तो ये किस तरह से ये जुड़ते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो पूरा जो है पनेट स्क्वायर F2 जनरेशन का हो गया। तो आप देखेंगे कि पूरा जो पनेट स्क्वायर है, इससे हमको पता चल रहा है कि जो राउंड, ये जो है, ये देखिए, यहाँ पे जो एलील है ये कैपिटल आर है। तो ये जो प्लांट है वो राउंड सीड प्रोड्यूस करेगा, और ये होमोजाइगस है, ये वाला जो है और ये वाला, तो ये जो है ये भी राउंड सीड प्रोड्यूस करेंगे ये प्लांट भी, लेकिन वो कैसे हैं, हेटरोजाइगस हैं, क्योंकि एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। ठीक है, एक डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव एलील है। अच्छा, ये वाला जो प्लांट है, स्मॉल आर, तो दोनों ही जो एलील है वो रिसेसिव है। तो ये जो प्लांट है वो कैसे सीड प्रोड्यूस करेंगे, तो वो प्रोड्यूस करेंगे व्रिंकल सीड। ठीक है, तो ये F2 जनरेशन। तो यहाँ पे आप जीनोटाइपिक रेशियो अगर आप देखें, तो ये हो गया ये 1, फिर ये और ये कैपिटल आर, ये दोनों जो हैं ये मिला के, तो ये, तो आप देखिए ये 1 हुआ आर आर वाला, फिर ये कैपिटल आर स्मॉल आर वाले 2 हैं, और ये जो है स्मॉल आर ये 1, और ये जो है ये रेशियो है। ठीक है, F2 के जितने भी प्लांट हैं उसमें से 25% जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, फिर 50% जो है, 50% कैसे हैं, तो 50% जो है हेटरोजाइगस हैं, और 25% हैं वो होमोजाइगस हैं रिसेसिव। ठीक है, तो ये जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो जो है, फिनोटाइपिक रेशियो वो हुआ 3:1, यानी 75% जो प्लांट हैं, 75% जो प्लांट हैं वो कैसे हैं, राउंड सीड प्रोड्यूस करते हैं, और 25% जो प्लांट हैं, ठीक है, वो व्रिंकल सीड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो है, मैं पूरा फिगर एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो पूरा फिगर जो है देख लीजिए, ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, और यहाँ पे जो सीड का जो शेप है, सीड का जो सरफेस है, वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर है हमारा। तो कहाँ से शुरुआत की थी मेंडल ने, तो इस तरह से। अब देखिए, अब जो है हम देख रहे हैं कि गैमेट जो है, गैमेट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो ये जो सेल है,
ठीक है, ये सेल इसमें से गैमेट का निर्माण होता है, तो ये गैमेट फॉर्मिंग मदर सेल है, ठीक है। और ये कैसा है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड यानी इसमें क्रोमोसोम के दो सेट है ना। और यहाँ पे ये देखिए, ये हमको, अच्छा अब जो पी प्लांट जो हैं, पी प्लांट के हर एक सेल में 14 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये जो सरफेस जो है, राउंड है या व्रिंकल है, उसके लिए जो एलील है, ठीक है, वो यहाँ पे बता दिए। तो देखिए ये कैपिटल आर है, तो उसके बाजू में जो क्रोमोसोम है उस पर स्मॉल आर है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है होमोलोगस, ये देखिए ये लिखा है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। फिर ये अब द साइट, यहाँ पे जो लिखा है, द साइट ऑन द क्रोमोसोम इज द लोकस ऑफ द जीन, ठीक है, विद द एलील आर एंड स्मॉल आर, है ना। तो राउंड या विंकल के लिए जो एलील है, जिस जगह पे हैं उसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम पे, उस जगह को लोकस कहते हैं। तो लोकस पे आपको कौन से हैं, कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए आप, मियोटिक इंटरफेस है ना। तो इंटरफेस जो है, इंटरफेस में क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है, बिफोर मियोसिस वन ईच ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम रेप्लिकेट। तो जो क्रोमोसोम जो है उनका क्या होता है, क्रोमोसोम जो है इनका रेप्लिकेशन होता है। तो रेप्लिकेशन की वजह से जितना भी डीएनए है वो डबल हो जाता है, तो उसकी वजह से आप देखिए जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले एक ही क्रोमोसोम था, लेकिन अब क्रोमोसोम के अंदर क्या है, दो आपको सिस्टर क्रोमेटिड देखने को मिल रही हैं, ठीक है। फिर अब देखिए ये जो है इसमें, अब देखिए मियोसिस वन, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ मियोसिस वन द टू क्रोमोसोम आर सेग्रीगेटेड इनटू सेपरेट डॉटर सेल, है ना। तो मियोसिस एक जो है, इसके अंत में क्या होता है, दोनों जो क्रोमोसोम हैं वो दो नए जो डॉटर सेल हैं इनमें सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब मियोसिस टू में क्या होता है, तो देखिए, तो मियोसिस टू जो है इसमें देखिए, यहाँ पे मियोसिस टू लिखा है, और फिर यहाँ पे जो लिखा है, फोर हैप्लोइड गैमेट, यानी हैप्लोइड का मतलब क्या है कि इनके पास क्या, क्रोमोसोम का एक ही सेट है, यानी सेवन टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे इनमें, गैमेट में सेवन क्रोमोसोम होते हैं, है ना, 14 के बदले क्या है, 7 ही क्रोमोसोम हैं, ठीक है। और इनमें देखिए एक एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, यहाँ पे देखिए ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है और ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द मियोसिस टू ईच हैप्लोइड गैमेट कंटेन वन मेंबर ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड दस वन एलील फॉर ईच जीन, ठीक है। तो हर एक जीन का एक जो एलील है वो मौजूद होता है ये गैमेट के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, ये मियोसिस अकाउंट फॉर सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स, ठीक है। फिर ये देखिए, ये जो लिखा है, सेल्स इन अ पी लीफ हैव 14 क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो मटर जो प्लांट है, इनमें जो सेल है इनके अंदर 14 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन गैमेट जो है, गैमेट में क्योंकि मियोसिस होता है, तो हमने देखा उनके पास क्रोमोसोम का एक ही सेट है, ठीक है। और दो के बजाय एक ही एलील होता है, ठीक है, वो भी हमने देख लिया है ये पूरा। तो पूरा जो फिगर है, एक बार फिर से आप देख लीजिए इस फिगर को, तो पूरी जो बात है आपको पता चल जाएगी। देखिए अब जो है, अब हम बात कर रहे हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में। तो यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, फिगर 12.3, होमोजाइगस और हेटरोजाइगस। तो टेस्ट क्रॉस जो है, टेस्ट क्रॉस में अब आप समझिए कि ये जो है ये पी जनरेशन है, ठीक है, ये जो है पेरेंट्स है, ठीक है,
ये दोनों जो हैं वो पेरेंट हैं। अच्छा, अब ये जो पेरेंट है इनके पास क्या है कि दोनों रिसेसिव एलील हैं, स्मॉलर स्मॉलर, ठीक है, तो दोनों नॉन एक्सप्रेसिव एलील हैं। तो उसकी वजह से ये जो प्लांट है, ये जो सीड प्रोड्यूस कर रहा है वो कैसे हैं, व्रिंकल, ठीक है। और ये वाला जो प्लांट है, ये वाला जो प्लांट है, तो ये वाला प्लांट में आपको एक जो एलील है, ठीक है, अब यहाँ पे डैश है, ठीक है, ये क्या है, ये डैश लिखा हुआ है, डैश। आपको ये तो पता है, ये तो पता है, ठीक है, कि भाई जो सरफेस जो है, जो मटर जो है वो कैसा है, वो गोल है ना। जो पी जो है, पी सीड जो है, उसकी जो सरफेस है वो तो स्मूथ है, ये बात तुमको पता है। और एक जो एलील है वो क्या, कैपिटल आर है, उसका मतलब एटलीस्ट एक, देखो दोनों एलील जो हैं, दोनों एलील हो सकते हैं कैपिटल आर या तो कैपिटल आर स्मॉल आर। कहने का मतलब ये जो पेरेंट है, ये वाला जो पेरेंट है, ठीक है, ये वाला जो प्लांट है, तो ये क्या होगा, या तो होमोजाइगस होगा या तो हेटरोजाइगस होगा। होमोजाइगस होगा तो क्या, कैपिटल आर, और हेटरोजाइगस होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये जो है, ये किस तरह से पता लगाएंगे हम ये होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस है, तो टेस्ट क्रॉस जो है, टेस्ट क्रॉस करके, ठीक है, टेस्ट क्रॉस करके क्या मिलेगा, जो प्रोजेनी है, ठीक है, वो प्रोजेनी कैसी मिलती है, जो F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन से हमको पता चल जाएगा कि भाई ये जो है ये होमोजाइगस है या तो हेटरोजाइगस है। हाँ, देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना, जीनोटाइप अननोन, और ये प्योर ब्रीडिंग, लेकिन ये व्रिंकल सीड प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, ठीक है। देखिए दूसरा दूसरा जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे टेस्ट क्रॉस के लिए, तो यहाँ देखिए ये जो है ये पेरेंट्स, ठीक है, तो ये जो है पेरेंट, ये जो फिनोटाइप है वो तो हमको दिख रहा है कि भाई टॉल प्लांट है, और यहाँ पे फिनोटाइप जो है, ये फिनोटाइप, ये ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है, या तो शॉर्ट प्लांट है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देख सकते हैं आप जो एलील है, एलिलिक कॉम्बिनेशन है, वो क्या है, स्मॉल्टी स्मॉल्टी। लेकिन ये जो टॉल प्लांट है, ये टॉल प्लांट, इसके जो दोनों एलील हैं वो डोमिनेंट है, यानी होमोजाइगस कंडीशन है या तो हिट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। ये प्लांट जो है, ये टॉल तो है लेकिन ये होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस है, ये किस तरह से पता चलेगा। तो यहाँ पे जो हम आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराएंगे और जो F1 जनरेशन मिलेगी, उसका जो रिजल्ट आएगा, उससे हमको ये पता चलता है कि भाई ये जो है ये होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस है। तो ये एक डिस्कशन करना है हमको इसमें, ठीक है। देखिए ये जो फिगर है, ठीक है, इसमें ये जो है सीड का कलर तो येलो और यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। तो ये देखिए येलो जो है, येलो कलर कब आएगा, दोनों कैपिटल वाई हो तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में हो सकता है। फिर येलो कब पॉसिबल है, हिट्रोजाइगस कंडीशन में, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो भी येलो कलर, और ग्रीन कलर तो दोनों रिसेसिव एलील हैं, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो फिर ग्रीन कलर होता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे भी हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये दोनों डोमिनेंट है एलील, और ये जो है, ठीक है, ग्रीन कलर के लिए। अच्छा, और ये क्रॉस बी, तो ये हिट हो जाएगा इस कंडीशन बताइए, ठीक है, येलो सीड के लिए, और यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसका जो रिजल्ट है, F1 जो यहाँ पे लिखा है ना, F1 में जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो कैसी आएगी, है ना, या तो येलो कलर की आएगी, ठीक है, होमोजाइगस हेटरोजाइगस। तो ये सारी जो बातें हैं वो हम आगे भी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए टेस्ट क्रॉस, ये जो लेक्चर है इसमें आपने देखा कि टेस्ट क्रॉस के हैं, टेस्ट क्रॉस के लिए तीन जो एग्जांपल हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक जो एग्जांपल है कि भाई जो शीड,
है ना, सीड का जो शेप है, राउंड व्रिंकल, वो एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। तो उसकी जो F1 है प्रोजेनी, वो कैसे आएगी, ऑफस्प्रिंग जो है वो कैसे आएगी, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल लिया वो हमने प्लांट हाइट के लिए लिया, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमको जो पी पेरेंट है उसमें टॉल टॉल तो हैं, लेकिन वो जो है होमोजाइगस हैं या हेटरोजाइगस हैं वो हमको पता नहीं है। और तीसरा जो एग्जांपल है तो वो सीड कलर के लिए है ना, येलो ग्रीन जो है, तो उसमें जो येलो वाला जो प्लांट है वो होमोजाइगस हेटरोजाइगस है। तो ये जो सा तो F1 जो है वो किस तरह से आएगा, F1 में सीड कलर क्या होगा, तो ये पूरा जो टेस्ट क्रॉस का जो लेक्चर है और सारे जो रिजल्ट हैं वो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और पूरा जो लेक्चर है मैंने मेरा जो ऐप है इस पे अपलोड कर दिया है। तो पूरा लेक्चर देखने के लिए आप जो है मेरे ऐप पे आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।